नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण गर्सा फिर से स्वागत करता हूं आपका गर्सा एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूं, जिसमें हम आज जो दोस्तों आपके लिए एक सबसे बड़ी न्यूज है कि जिन भाइयों ने एसआई का एग्जाम दिया था उनके टोटल जोन्स के आंसर की डाल दिया, यानी सभी कैंडिडेट के आंसर की आ गई है दोस्तों। तो आप चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि आप कैसे अपना क्वेश्चन पेपर और उसके रिस्पॉन्स को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको कंप्लीट प्रक्रिया करके दिखाऊंगा। मैंने आरपीएफ की होम साइट को खोल रखा है दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी भाइयों को मालूम चले कि टोटल जोन्स की आंसर की आ चुकी है। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सबसे पहले कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड, भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, क्वेश्चन पेपर्स, ये इन पे टोटल वीडियो मिलेगी दोस्तों। तो आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन एसआई की जो रिजल्ट आएगा उसके बारे में अपडेट, या और भी जो रेलवे, एसएससी या बैंकिंग के जो भी एग्जाम दिए उनकी टोटल इन्फॉर्मेशन यहाँ होती है दोस्तों। सीआईएसएफ, आईटीबीपी, इनसे रिलेटेड भी टोटल वीडियो मैंने बना रखे हैं, आप देख सकते हैं जाके। और जो टॉप 20 जीके बेसिस क्वेश्चन है उन पे भी वीडियो बनाए हैं। तो दोस्तों, अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आप अपना एसआई का पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये ऑफिशियल साइट खोल रखी है आरपीएफ, एसआई आरपीएफ ऑनलाइन डॉट ऑर्गेनाइजेशन पे जाके आप भी खोल सकते हैं। ये जो होम पेज पे व्यू आंसर शीट आएगा दोस्तों, इसे क्लिक करने पे एक ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, यानी चारों जोन्स की आंसर की आ चुकी है। ई और एफ की पहले ही आ गई थी दोस्तों एसआई की। तो मेरे पास एक कैंडिडेट है, ये कपिल सिंह, तो इनका इन्होंने डिटेल भेजी है, इनको धन्यवाद दोस्तों। तो इनकी डिटेल मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, ये कौन से जोन से हैं, डी जोन से हैं दोस्तों। तो मैं ग्रुप डी जोन को ओपन करता हूँ, जैसे ये ग्रुप डी जोन ओपन होगा, मैं कपिल भाई का थैंक यू कहना चाहूंगा कि इन्होंने डिटेल दी, जिससे आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं एसआई में। तो ये टू इनके हैं, ये रोल नंबर है, रोल नंबर दोस्तों मैं अभी इसमें डाल देता हूँ इनके रोल नंबर, एक सेकंड जस्ट। ये दोस्तों कंप्लीट इसके डाल देता हूँ मैं, 2422 22657 इनकी डेट ऑफ बर्थ के लिए, ये कैलेंडर पे क्लिक करें डेट ऑफ बर्थ के लिए दोस्तों। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 2019, और ये है जनवरी डाल दिया, 2019 डाल दिया, और इनका डेट था, एग्जाम डेट जो था वो था 10 तारीख को। तो इनकी एग्जाम डेट ऑफ बर्थ का भी फाइंड आउट करता हूँ, ये है 27/6 इनकी डेट ऑफ, एक सेकंड दोस्तों, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ का, इनकी, हाँ इनकी डेट ऑफ बर्थ आ गई मेरे पास, 1990, ये दोस्तों 90 जुलाई, और ये इनकी डेट ऑफ बर्थ डाल दी, डेट ऑफ एग्जाम डाल दिया, इनका बैच नंबर यही था दोस्तों, ये डाल दी, और ये कैप्चा एंटर करना है बस, फिर इसकी आंसर की आपके सामने होगी दोस्तों, SANG। ये ओपन, ये दोस्तों यहाँ पे आएगा कि आप इंग्लिश
मैं दे के आए थे हिंदी में, तो आप ये इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो दोस्तों। जैसे मैंने हिंदी लैंग्वेज किया तो प्रश्न पत्र में सही विकल्प को हरे रंग से दिया गया है जो मतलब सही है, और आपके रिस्पांस को नीले रंग की हाइट लाइट चिन्हित किया गया है दोस्तों, वो आपको मैं दिखा दूंगा अभी। यदि आपको आपत्ति उठानी है तो इसमें प्रश्न संख्या क्षेत्र में अपना प्रश्न दर्ज करना होगा, यानी उसमें जो आपको अगर गलत लगे तो ये देखो आपत्ति जोड़े, यहाँ आप अपना जो डाउट है वो पूछ सकते हैं। संगत श्रेणी का चयन होगा, एक बार में आपत्ति प्रस्तुत करने में उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा, एक बार सबमिट करने के बाद नई आपत्ति तो ये आप, और प्रत्येक आपत्ति उठाने वाले यानी ₹50 आपके एक क्वेश्चन पे जो अगर आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो ₹50 लगेंगे। यदि आपकी आपत्ति सही पाई गई तो बैंक शुल्क लौटा दिया जाएगा दोस्तों, यानी अगर आपने बिल्कुल सही आप कितने भी क्वेश्चन पे करें, जैसे मैंने 10 क्वेश्चन पे रिस्पॉन्स लगाया और वो 10 क्वेश्चन गलत थे तो मेरे पैसे वापस आ जाएंगे दोस्तों, आपको ₹500 देने पड़ेंगे। 2 क्वेश्चन पे लगाया तो ₹100 देने पड़ेंगे, ऐसे ही टोटल ये है। तो अभी मैं इसकी आंसर शीट को डाउनलोड करता हूँ, प्रश्न पत्र देखने के लिए यहाँ क्लिक करें तो ओके, मैंने यहाँ जैसे ही क्लिक किया तो उनका क्वेश्चन पेपर ओपन हो रहा है कपिल जी का, तो उनको मैं फिर से थैंक यू कहना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी ये डिटेल हमारे साथ शेयर की है चैनल के साथ। तो इन्होंने इनका रिस्पॉन्स था लोकसभा और यही राइट आंसर था क्योंकि ये ग्रीन लेटर्स में दिया हुआ है। ये देखिए दोस्तों टोटल इन्होंने सेकंड क्वेश्चन है जो इन्होंने किया नहीं है छोड़ दिया, लेकिन इसका आंसर ये है दोस्तों, जो रिस्पांस आपने नहीं किया वो खाली मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने रिस्पांस दिया है मेथेनोइक एसिड, लेकिन इसका सही आंसर है दोस्तों एथेनोइक एसिड, ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। ये इनका टोटल जो क्वेश्चन पेपर है वो आ चुका है और इनके रिस्पॉन्स भी दिए हुए साथ में, तो इसी तरह आप मैच कर सकते हो दोस्तों। ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 थे जो आपके सामने है, ये देखिए 53, ये मैथ में वही है जो ब्लू में, ये इनका सही है और ये ग्रीन लेटर्स में दिया है यही ब्लू मार्क्स है, ठीक है दोस्तों। तो सभी जोन्स की जो आंसर की आ चुकी है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा रिजल्ट का, वहां से खोल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, जानकारी इंपॉर्टेंट लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें यार दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर कर दें वीडियो ताकि उन्हें भी पता लग सके कि RPF ऐसा ही क्या आंसर की आ चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा जल्दी। तो दोस्तों फटाफट आप अपना आंसर चेक करके और प्लीज़ कमेंट्स में बताएं कि आपके कितने नंबर्स बन रहे हैं। ओके।